हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ भरवां गोलगप्पे की रेसिपी। तो चलिए गोलगप्पे बनाते हैं। जिसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे गोलगप्पे का पानी, और जिसके लिए मैंने लिया है पुदीना, हरा धनिया, कुछ हरी मिर्च, आधा नींबू, 1 चम्मच काला नमक और 2 चम्मच मैंने लिया है पानी पूरी मसाला, जो कि दुकान पे मिल जाता है। और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च ये सब मिक्सी के जार में चटनी की तरह पीस लेंगे। और इसमें हम नमक भी डाल लेंगे और पानी पूरी मसाला भी पहले ही इसमें डाल लेंगे। और ये हमारी एक बहुत अच्छी पतली चटनी तैयार हो जाएगी। हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर पीसेंगे और ये 2 ही मिनट में हमारी एक चटनी तैयार हो जाएगी, जो कि पानी में बहुत ही आसानी से घुल जाएगी। और अब हम इसको पीस लेंगे नमक और मसाला डालकर। और ये देखिए हमारी चटनी पीस कर तैयार है। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको पानी में डाल लेंगे, जो पानी मैंने पहले ही फ्रिज में रख कर ठंडा कर लिया है। और ये देखिए कितना अच्छा कलर हमारे पानी का हो गया है, एकदम ग्रीन। और अब हम इसमें डालेंगे आधा नींबू, जिसके मैंने बीज निकाल लिए हैं। इसको हम पानी में निचोड़ देंगे, जिससे कि हमारे पानी में खट्टापन आ जाएगा। हमें खट्टा मीठा चटपटा पानी तैयार करना है। और अब हम इसमें 1 चम्मच सादा नमक डालेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, जो कि मैंने भून कर पीस लिया है, और इसका बहुत ही अच्छा हमारे पानी में टेस्ट आएगा। और अब हम इसमें डालेंगे बूंदी, जो कि मैंने 1 पैकेट ले लिया है, और बूंदी से पानी में और भी ज़्यादा टेस्ट आता है। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमें 2 तरह का पानी चाहिए, खट्टा मीठा पानी भी हमें चाहिए और नमकीन पानी। ये हमारा बन ही गया है। तो मीठा पानी हम कैसे तैयार करेंगे, उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। मैंने ये आधा पानी इसमें अलग एक जार में ले लिया है, और अब मैं आपको बताऊँगी कि मैं मीठा पानी कैसे तैयार करूँगी। और फिर हमारा अगर मीठे पानी से मन करेगा तो मीठे पानी से, ये देखिए ये है चटनी, जो कि मैंने खुद घर पे ही तैयार की है। और मैंने इसकी वीडियो अपने चैनल पे डाली हुई है इससे पहले वाली, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देखकर चटनी घर पे ही तैयार कर सकते हैं। मीठे पानी के लिए हमें इसमें चटनी को ही मिलाना होता है, और ये हमारा खट्टा मीठा चटपटा पानी तैयार है। ये देखिए इसमें कलर भी अलग ही आ गया है। ये मीठा पानी हमारा तैयार हो गया है, और वो ग्रीन वाला हमारा नमकीन पानी, ये देखिए। तो अब हम करेंगे गोलगप्पे भरने के लिए स्टफिंग तैयार, जिसके लिए मैंने आलू उबाल लिए हैं और काले चने मैंने उबाल लिए हैं, और कुछ मैंने ये सूखे मटर भी मैंने उबाल रखे हैं। अगर आपके पास हैं तो आप डालेंगे, नहीं तो चने और आलू और प्याज से हम एक अच्छी सी स्टफिंग तैयार करेंगे, जो कि हमारी बहुत ही अच्छी चटपटी स्टफिंग बनने वाली है। ये मैंने 1 प्याज काट ली है। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज स्किप कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच
लाल मिर्च पाउडर और एक चम्मच डालेंगे हम गरम मसाला। ये बहुत ही टेस्टी हम स्टफिंग तैयार करेंगे अपनी। और एक मैं थोड़ा सा ट्विस्ट इसमें डालूंगी, ये मैं डालूंगी इसमें एक चम्मच चाट मसाला। अब ये हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी स्टफिंग तैयार हो जाएगी। और इस तरह से हम गोलगप्पे भरकर अगर खाएंगे तो एक बार बनाने के बाद बार बार बनाकर खाएंगे और बाहर गोलगप्पे खाने तो हम भूल ही जाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया जो कि मैंने काट के रखा हुआ है, और इसे भी इसमें मिक्स कर लेंगे। और अब ये हमारी गोलगप्पे में भरने के लिए स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। और अब हम चलेंगे गोलगप्पे तलने के लिए। ये मैंने बने बनाए गोलगप्पे बाज़ार से ले लिए हैं, ये मिल जाते हैं बहुत ही आसानी से। और बस मैंने तेल गरम कर लिया है, तेल हमें थोड़ा तेज़ गरम करना है। और बस इसमें गोलगप्पे डालने हैं और इनको ऐसे हिलाते हुए, ये बहुत ही जल्दी देखिए कैसे फूल गए हैं और 2 मिनट में तैयार हो जाते हैं ये हमारे इंस्टेंट गोलगप्पे। इनको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। और ये देखिए मैंने फिर से गोलगप्पे डाल दिए हैं और ये 15 से 20 गोलगप्पे हमारे एक बार में तैयार हो जाते हैं। ये बहुत ही जल्दी फूलते हैं और एकदम करारे ये दाल वाले गोलगप्पे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगते हैं। और अब मैं इनको निकाल लूँगी, बहुत ही जल्दी ये हमारे गोलगप्पे बन जाते हैं। इस तरह से आप गोलगप्पे ज़रूर बनाइए और खाइए और अपने परिवार को खिलाइए। अपने घर में साफ़ सुथरे गोलगप्पे अपने हाथ से बनाकर हम खा सकते हैं। ये देखिए हमारे गोलगप्पे बिल्कुल तैयार हैं और ये हमारा पानी, स्टफिंग और सारी चीज़ें हमारे पास हैं जो कि मैंने खुद घर पे तैयार की है, ये चटनी मीठी हमारी। और अब हम अंगूठे से बीच में से तोड़कर इसमें स्टफिंग भरेंगे, उसके बाद हम मीठी चटनी इसमें डालेंगे। और चटनी भी हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी तैयार हुई है, देखने में ही देखिए कितनी अच्छी लग रही है। ये मैंने फ्रिज में स्टोर करके रख दी थी। और अब हम इसमें पानी डालेंगे और ये हमारा गोलगप्पा खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और ऐसे ही हम गोलगप्पे बनाकर खा सकते हैं, आप भी ट्राई ज़रूर करिएगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक